It's new. अरे क्या बात है भाई, अभी फिर से मेरे सुअरों को जिंदा कर दोगे क्या? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, वो बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी लीकेज हो गई थी ना, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अरे पहले भी तुमने यही कहा था भाई, अगर ऐसे ही मेरे जानवर मरते रहे ना तो एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, यही चाहते हो क्या तुम, बताओ? अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? चलो जाओ, अब जाओ जाओ। के सब साले एक नंबर के झूठे हैं, जरूर कोई बड़ा पंगा हुआ होगा। अरे तेरी, आ जा। अरे यार लगता है आज का दिन ही खराब है साला। जाने दे। बिल्कुल सर, वैसे मेरी सलाह माने तो अभी बेचना ठीक नहीं होगा, मार्केट को काफी नुकसान हो सकता है, उनकी रिपोर्ट गलत भी हो सकती है, तो इसलिए सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। जी सर, जी मैं समझता हूँ, पर हाँ, मैंने कल ही ज्वाइन किया है तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। जी सर, टेक केयर, गुड बाय। किम को अंदर भेजना प्लीज। जिनयांग नदी में मछलियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो रही है। तो क्या फैसला किया? सारे के सारे शेयर्स बेच डालो। सारे के सारे? हाँ सर, इसका मार्केट पे बहुत बुरा असर हो सकता है, आप छोटे ट्रेडर्स के बारे में भी तो सोचो, हमारे इस फैसले से उन्हें बहुत नुकसान। देखो किम सर, ये मत भूलो कि तुम काम किसके लिए करते हो, उतना करो जितना कहा जाए। जी सर। अच्छा एक मिनट रुको, ये छोटे बच्चों को आजकल क्या पसंद आता है, कोई आइडिया है? सुनो, मुझे नोटिस भेज के तुम सिर्फ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वक्त बर्बाद हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सुसन को तो मैं ही पालूंगा। हाँ। तुम्हें बच्चा पालना आता भी है क्या? कितना टाइम स्पेंड करते हो तुम उसके साथ? कल वो अपने
अपने आप ही मेरे पास आने वाली थी। तुम्हें कुछ पता भी है? तुम मुझे सिखाने की कैसे बाप हो? मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। उसे उसकी माँ चाहिए। कल उसे मेरे पास ले आना। कल नहीं ला सकता। उसका कल बर्थडे है, तुम्हें याद तो है ना? अच्छी तरह। खाना खाया बेटा? हाँ थोड़ा सा खाया था। सूजन कहाँ पर? खेल रही होगी अपने रूम में। नहीं, मैं खुद ही ट्रेन पकड़ कर आ जाऊंगी, पर आप चाहो तो मुझे स्टेशन से पिकअप कर सकते हो। मेरे आते ही बात बंद क्यों कर दी? बस ऐसे ही। तो तुम अपनी मम्मी से मिलने भुसान जाना चाहती हो? बेटा ऐसा है कि इस हफ्ते मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, पर अगले हफ्ते मैं पक्का छुट्टी ले सकता हूँ, तो तब ले जाऊंगा तुम्हें भुसान। अरे तुम्हें लगा मैं भूल जाऊंगा ना? हैप्पी बर्थडे बेटा। सोच कह रही हो खोलो। क्या हुआ बेटा, तुम्हें पसंद नहीं आया? लास्ट क्रिसमस पर दिया था। अच्छा, कुछ और है ऐसा जिसे तुम्हें करने में खुशी मिले? बुसान, मुझे मम्मी से मिलने जाना है कल ही। हाँ बेटा, पर मैंने कहा ना, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा हम लोग वहाँ जरूर जाएंगे। मुझे कल जाना है। हमेशा कहते हो कि हम जरूर जाएंगे, पर जाते कभी नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। आजकल बहुत बिजी हो क्या? हाँ बहुत काम रहता है। तो फिर तुम कल सूजन को बुसान लेकर जाओगे? हाँ। चलो अच्छा है। और अब जब तुम जा ही रहे हो तो अपनी बीवी से भी थोड़ी बात कर ही लेना। रिश्ते इतनी आसानी से नहीं तोड़े जाते बेटा। सूजन को भी अच्छा लगेगा। माँ, देखो मैं कोशिश करूंगा, पर मैं सबको तो खुश नहीं रख सकता ना। ठीक कहा, और तुम तो मुझसे बेहतर जानते हो। सूजन बहुत अपसेट थी कि तुम उसके पोएट्री कंपटीशन में नहीं गए। खुशी नहीं दे सकते तो किसी का दिल भी मत दुखाओ। हाँ ठीक है। हाँ
नहीं, पापा के साथ हूँ। ओके ठीक है, बाद में बात करते हैं। हाँ वैसे तुमने पोएम कंपटीशन में बहुत अच्छी पोएम बोली थी। आपको कैसे पता? आप तो आए नहीं थे। बेटा पापा की नजरें हर जगह होती हैं, वो कहीं से भी किसी को भी देख सकते हैं। तुम पोएम भूल गई थी है ना? हाँ। शायद तुमने अच्छी तरह याद नहीं की होगी। देखो बेटा, जिंदगी में जो भी काम करो उसे पूरे दिल से करो, क्योंकि तभी कामयाबी हासिल होती है। कहीं जबरदस्त आग लगी है। आजकल किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। बेटा तुम ठीक हो ना? मैं तो बहुत घबरा गया था। भगवान का शुक्र है कि वो हमारा घर नहीं है। एक्सक्यूज मी, बोगी नंबर 4 कहां पर है? वहां पर, बोगी नंबर 4 उस तरफ है। थैंक यू। चलो चलो। बुसान की ओर जाने वाली ट्रेन जल्द ही रवाना होने वाली है। बुसान की ओर जाने वाली ट्रेन जल्द ही रवाना होने वाली है। इवोन सुनो जरा, तुम्हारा स्कार्फ थोड़ा सीधा करो। थैंक यू। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और नो मस्ती। ठीक है। हाँ देखो देखो, जेनी आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब मैं ही तुम्हारी नई चीयरलीडर हूँ। सच में? और नहीं तो क्या। अरे वाह बहुत अच्छे, आजा आजा मेरे साथ बैठ जाओ। नो थैंक्स। हाय हाय जेनी। हाय। क्या सुन रहे हो तुम? जाकर कहीं और क्यों नहीं बैठ जाती? गाना तो बज ही नहीं रहा। और हाँ, अब तो मान भी लो कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो। मान भी जा। मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी जाओ, मान भी। लो शरण। क्या है ये सब? क्या जरूरत थी इसकी? तुमने तो जैसे पूरा लंच पैक कर लिया है। खा लो तुम। खा लो, मुझे नहीं चाहिए। सुनिए सर, आप ट्रेन में हैं क्या? हाँ ट्रेन में हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो आज सुबह से बहुत कॉल आ रहे हैं सर, और आंसन इंडस्ट्रियल पार्क में तो स्ट्राइक हो गई है। अच्छा, एक काम करो, इन सब की डिटेल से एक रिपोर्ट बनाओ और मुझे मेल कर दो, मैं लंच तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है सर। नहीं चाहती। God, please help me.
एक्सक्यूज मी जी, आप यहाँ के स्टूडेंट हैं ना? जी। लगता है कोई पागल यहाँ घुसाया है। वो कहाँ है? वो काफी देर से जेंट्स टॉयलेट में है। अच्छा, पता नहीं क्या कर रहा होगा अंदर। काफी टाइम हो गया है। सॉरी सर, आपकी असुविधा के लिए मैं माफी चाहता हूँ, मैं अभी चेक करता हूँ। एक्सक्यूज मी, हेलो, सुनिए सर, सर सुनिए सर, क्या आप मुझे अपना टिकट दिखा सकते हैं प्लीज? सर देखिए, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो मुझे आपको अगले स्टॉप पर उतारना होगा, ठीक है? संपर्क क्या? सुनो बेटा, बड़े होकर तुम भी इसकी तरह मत बन जाना, ठीक है? देखिए आप कहां से चढ़े? मम्मी कहती है हमें गरीब और बेघर लोगों की मदद करनी चाहिए। सुनिए, आपसे कह रहा हूँ, तुम्हारी मम्मी जरूर इनकी रिश्तेदार रही होगी। बाहर आ जाइए वरना हमें आपको खींचकर बाहर निकालना होगा। मेरी बात मानिए, बाहर आ जाइए। जल्दी है क्या? देखो बेटा, ये वाला टॉयलेट खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम वो वाला क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती? चलो जाओ। अच्छा रुको, मैं पूछता हूँ, डार्लिंग तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? सॉरी, तुम्हें जितना वक्त लेना है ले लो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से। बेटा तुम उस वाले में चली जाओ, यहाँ पे कोई नहीं है, वो चली गई, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या? देखिए सर, यहाँ हालत बहुत खराब है, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन ये आंसन स्ट्राइक कोई मामूली घटना नहीं है सर, पूरे देश का ये हाल है। उसकी नर्व्स चल रही है, सांसें चेक की। सर, अब हम क्या करें? मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ये क्या हो गया है इन्हें? इनकी हालत तो देखो। आजकल के नौजवान तो छोटी छोटी बातों पर दंगे करने लगते हैं, इन्हें तो डंडे मार मार के जेल में डाल देना चाहिए, तब पता चलेगा। देखो इन्हें, देखो देखो ये लोग क्या कर रहे हैं? इसे तो देखा भी नहीं जा रहा है। मैम क्या करूं? सर सर, आप मुझे सुन सकते हो? कहां पर हो? अब इसे क्या हो गया? हेलो सर, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है?
डार्लिंग, उफ़ क्या है स्टुअर्ट, किस बात की जल्दी है तुम्हें? क्या है कि मैं घबरा गया था। मुझे मार दे। देख क्या रहे हो, जाकर उसकी मदद क्यों नहीं करते? जाओ। अरे ओ, क्या कर रहे हो? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? सुनो शैली, तुम्हें तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए, जल्दी। लॉक कैसे करते हैं? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? छोड़ दो दरवाजा। क्या? उन्हें से खोलना नहीं आएगा। हम दिखेंगे नहीं।
नहीं तो शांत हो जाएंगे। हटो, ये सब क्या हो रहा है? उन लोगों को क्या हुआ? सुजन, तुम ठीक हो ना? अरे सुनो। हाँ बोलो। तुम्हें हमसे शायद माफी मांगनी चाहिए। नहीं, किस लिए? किस लिए? तुमने हमें वहां मरने के लिए छोड़ दिया था और पूछ रहे हो किस लिए? तुम पीछे रह गए तो मैं क्या करूं? सबका ठिकाना ले रखा मैंने। साले, ये तो एक नंबर का कमीना निकला। चले जरा, तुझे दरवाजे के उस तरफ फेंकता हूँ, फिर बताऊंगा। तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, यहाँ सबके सब डरे हुए हैं। अटेंशन प्लीज, सभी लोग ध्यान से सुनिए। ट्रेन में हुए हादसों की वजह से ये ट्रेन अब चर्नन स्टेशन पर नहीं रुकेगी, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपनी अपनी सीट पर वापस बैठ जाइए। हेलो, मुझे कैप्टन से बात करनी है। कहिए, बोल रहा हूँ, क्या बात है? मेरी बात सुनो कैप्टन, तुम्हें पता तो है ना कि हमारे पीछे की बोगी में क्या हो रहा है, फिर तुम स्टेशन पर ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे? हाँ सर, हमें पता है, पर ये ऑर्डर्स हमें सीधे कंट्रोल रूम से आए हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता सर। तुम ये क्या बेकार की बात कर रहे हो? यहाँ पर लोग राक्षस बनकर एक दूसरे को खा रहे हैं, तुम्हें इस ट्रेन को रोकना ही होगा, समझे? एक्सक्यूज मी, घबराओ मत। माफ कीजिए मैम, ये जरा यहाँ बैठ सकती हैं? ये पेट से। हाँ सर। शुक्रिया, बैठ जाइए। बैठो बैठो, मैम का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ माँ बोलो। बेटा कहाँ हो तुम? पहुँच गए या ट्रेन में ही हो? हम लोग ट्रेन में ही हैं। अच्छा, आप कहाँ पर हो और ये शोर कैसा? यहाँ दंगे हो रहे हैं, न जाने सबको क्या हो गया है। तुम और सूजन ठीक तो हो ना? आपकी आवाज को क्या हो गया? आप ठीक तो है ना? बेटे, मेरा बच्चा, वादा करो सूजन का ख्याल हमेशा रखोगे। ऐसी बातें क्यों कर रही है? कुछ नहीं बेटा, और उसे ढेर सारा प्यार देना, और उसकी माँ को। पापा, पापा, दादी ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब कुछ ठीक है। भाइयों और बहनों, हम लगभग सभी बड़े शहरों में हिंसा का सामना कर रहे हैं। न जाने कितने नागरिक और पुलिस वाले इन दंगों में घायल हो चुके हैं। 경찰 양쪽에서 많은 부상자가 발생하였습니다. 시위에 따른 혼란으로 도심 일부가 일시적으로 마비되었고 일부 시위대는 हमारी जानकारी के अनुसार गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने का फैसला लिया है, जिससे इन हालातों पर काबू पाया जा सके। इसके साथ ही हमारी सरकार ने जल्द कार्रवाई की है, जिससे ये दंगे और इलाकों में फैल नहीं पाए हैं, और आगे भी हमारी सरकार की यही कोशिश रहेगी। सभी सुनने वालों से निवेदन है कि आप कृपा करके किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और अपने ही घर में सुरक्षित रहें। इस भयंकर प्रकोप से उभरने के लिए आप सबसे विनती है कि आप कृपा करके इस संकट पर काबू पाने में सरकार की मदद करें और इस कठिन परिस्थिति में सरकार का पूरा पूरा साथ दें। हम उम्मीद और प्रार्थना करते हैं कि सब सुरक्षित रहें।
मॉम का फोन क्यों बंद है? ओ भाई, जो भी आगे चलो जल्दी करो, चलो चलो आगे। तुम यहाँ पर आराम से बैठो और घबराओ मत, मैं तुम्हारी मॉम को फोन करके देखता हूँ। चलो चलो जल्दी करो। शरण यहाँ बैठ जाओ। नहीं, तुम बड़ी हो, तुम बैठो। ओ, मुझे नहीं बैठ, तुम बैठ जाओ। चलिए इस तरफ, वहाँ एक सीट खाली है। आंटी जी, आप यहाँ बैठ जाओ। अरे नहीं बेटा, तुम बैठ मुझे नहीं बैठना, आप प्लीज यहाँ बैठ जाओ। रुको जरा बेटा, ये लो, रख लो। थैंक यू आंटी, थैंक यू। वाह, कितनी अच्छी बच्ची है ना। बेवकूफ कहीं का। बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? सीट दे दी। बेटा, ऐसे हालात में सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और किसी के बारे में नहीं। समझ गए ना? उन्हें देखकर मुझे दादी की याद आ गई। दादी? सभी यात्री लोग प्लीज ध्यान से सुनिए, हमारी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजियन होगा। आप सभी की सुरक्षा के लिए वहां पर आर्मी बुला ली गई है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक एक करके वहां पे उतर जाइएगा। आई रिपीट, हमारी इस ट्रेन का आखिरी स्टेशन डाइजियन होगा। और कौन सी सिटी सेफ है? योसुन, उलझन, बुसान और डाइजियन? डाइजियन सेफ है क्या? एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दीजिए। क्या कहा, सेफ नहीं है? पर क्यों? बेटा, तुम यही रुको, मैं अभी आता हूं। बेटा सुनो। हाँ? वो क्या तुम्हारे पापा है? हाँ। असली पापा? हाँ। क्या पूछ ही तो रहा हूँ, वैसे वो काम क्या करते हैं? वो तो एक फंड मैनेजर है। हाँ, फंड मैनेजर हैं। मतलब खून चूसता लोगों का, औरों का खून चूसकर जीता है। चुप करो, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रहे हो? मुझे पता है, वो बाकी लोग भी यही कहते हैं। तुम ये खाओगी? स्लीपी भी यही खाता है। स्लीपी से मिलना चाहोगी, हेलो कहना है? इसका नाम सच में स्लीपी है? नहीं, निकनेम है, क्योंकि ये हमेशा सोता रहता है ना, इसलिए। और वैसे भी इसके पापा के पास टाइम ही नहीं है कि इसके लिए कोई अच्छा सा नाम सिलेक्ट करें। छूकर देखना चाहोगी? देखो, यहाँ आओ। किक मारी? ये मेरा बनाया हुआ है। जब देखो बकवास। ठीक ही तो कह रहा हूँ, नहीं? लेमिंग्स, डियर जॉन लेफ्टिनेंट मैन। तुमने अभी बहुत फंस गया हूँ, बस इतना बता दीजिए कि स्टेशन सेफ है या नहीं है। वहाँ आर्मी जा तो चुकी है। ओह थैंक गॉड, मतलब हमारी सेफ्टी की गारंटी है। देखो, आर्मी जा तो चुकी है, पर क्या सर, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? स्टेशन पर उतरते ही तुम सबको पकड़कर एक अलग क्वारंटाइन कैंप में डाल दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनो। क्या सर, मेरी बेटी भी मेरे साथ में ही है, प्लीज कुछ कीजिए ना सर, आप हमें वहां से जरूर निकाल पाएंगे, है ना? देखो ये बहुत सर, मैं आपको फ्री में शेयर मार्केट की टिप्स दूंगा, हमेशा के लिए। ठीक है, तुम मेन गेट से बाहर मत निकलना, ठीक है? ईस्ट वाली गेट से बाहर आना, मेरे आदमी तुम्हें वहीं मिलेंगे, ओके? मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा सर, शुक्रिया।
चलो हटो, रास्ता दो। चल क्या रहा है पीछे? हाँ देख लीजिए सर, यही वो हादसा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सुनो कैप्टन, तुम ही हो ना? हाँ। इंजन के कैबिन में कितने लोग फिट होंगे? बाकी बोकी को छोड़कर ट्रेन को भुसान ले चलो। भुसान? हाँ। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर क्यों? नहीं नहीं, मुझे ऐसा करना अलाउड नहीं है। अच्छा तो ये बताओ कि आर्मी कहाँ है? हाँ? वो तो मुझे तो यही बोला गया था कि स्टेशन पे आर्मी मौजूद होगी। तो फिर कहाँ गई आर्मी? देखो मैं स्टालिन एक्सप्रेस का COO हूँ और मुझे किसी ने फोन करके बताया है कि डाइजियन के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। क्यों बंद कर दिए गए हैं? क्योंकि यहाँ वायरस फैल गया है, इसलिए हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। सिर्फ भुसान ही एक जगह है जो सेफ है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द भुसान पहुँचना होगा। अच्छा, ठीक है, अगर ऐसा है तो एक मिनट रुकिए, हमें बाकियों को भी साथ ले लेना चाहिए। पर क्यों? मेरा मतलब अगर कोई स्टेशन पे है तो उसे ले लेते हैं। चलो सुनो, सब मरोगे। हम कहाँ जा रहे हैं? हम शॉर्टकट से जा रहे हैं। सिर्फ हम दोनों? हाँ, अब चलो। क्या चाहिए तुम्हें? मैं भी इधर से जाऊंगा। देखो मेन गेट उस तरफ है, तुम भी बाकियों के साथ वहीं पर जाओ। चलो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें फोन पे बात करते सुना मैंने, इस रास्ते से जाके तुम बचने वाले हो। मुझे मालूम है बाकियों को अलग रखा जाएगा। ये पागल है, कुछ भी बोल रहा है। मैं बाकियों को बुलाती हूँ। सुजन, हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। पर उनका क्या होगा? उनका जो होगा मुझे उससे क्या, मुझे सिर्फ हमारी पड़ी है। अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हो और इसलिए मम्मी भी आपको छोड़ के चली गई। बेटा तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आया। डिजोन स्टेशन पर। देखो मेरी आदमियों से मेरी बात नहीं हो पा रही है, वहाँ सब ठीक तो है ना? हेलो हेलो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो।
अरे पागल चलना। किसका इंतजार है तुम्हें? हमें अभी निकलना होगा। अभी नहीं निकल सकते, मेरे दोस्तों का क्या? अगर नहीं निकले तो सब मारे जाएंगे। निकलो यहाँ से, चलो। सुनिए कैप्टन, हमें अभी निकलना होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हम लोग देजियो स्टेशन पे नहीं रुक पाए हैं। प्लीज हमें ये बताइए कि अब हम कौन से स्टेशन पे रुक सकते हैं। हालात खराब होने की वजह से हम बाकी स्टेशन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अभी ये बताना मुश्किल है। कंट्रोल रूम बुसान सबसे नजदीक है, ये बताइए क्या बुसान में रुकना हमारे लिए सेफ होगा? जी बुसान सेफ रहेगा, मैं बुसान की तरफ जाने वाला रूट क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल सेंटर आउट। अगर आपका बुसान से कोई कॉन्टेक्ट होता है तो प्लीज हमें बताइएगा। 101 ओवर एंड आउट।
सभी यात्री प्लीज ध्यान से सुनिए, हम सभी की सुरक्षा की खातिर अब ये ट्रेन बीच के किसी भी स्टेशन पे नहीं रुकेगी, अब ये सीधा बुसान स्टेशन पे जाएगी। सुनिए कैप्टन, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी हाँ, बोलिए। बुसान स्टेशन पे बात हुई आपकी? नहीं, कोशिश तो जारी है पर अब तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए ये ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए, वरना हम सब मारे जाएंगे, समझे? जब तुम कहाँ हो, ट्रेन में ही हो ना? मुझे लगा मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। सब मर गए, बस मैं ही बच पाया। सब मर गए। शैली बेटा, फोन तुमने क्यों उठाया? शैली कहाँ है? कहाँ हो तुम? टॉयलेट में? कौन से बोगी में? पता नहीं, शायद बोगी नंबर 13। शैली तुम? बोगी नंबर 13? ये कौन सा बोगी? मेरी बेटी थी, वो ठीक तो है ना? वो बोगी नंबर 13 के टॉयलेट में है। हम आगे जा पाएंगे? सोचो, अगर हम लोग उन तक पहुंच भी गए तो हम सब वापस कैसे आएंगे? बोगी नंबर 15 में बाकी लोग मिलेंगे। हम इस वक्त बोगी नंबर 9 में हैं। हमें सिर्फ 4 बोगी पार करने हैं। मैं आगे रहूंगा, तुम बीच में रहो और तुम पीछे। पीछे से कोई भी वार करे तो संभाल लेना। सुना है तुम एक फंड मैनेजर हो, उस हिसाब से बेकार लोगों को पीछे छोड़ना तुम्हारी आदत है। हम टनल खत्म होते ही निकलेंगे। Oh,
देखा, जब जब हमारी ट्रेन टनल में से गई तो अचानक सबके सब रुक गए। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। आगे और भी बहुत सारे हैं। अब हम क्या करें? और कोई चारा भी तो नहीं। चलो चले। एक सेकंड, क्या हुआ? मुझे तुम्हारा फोन है। सामने से। अबे वो फंड मैनेजर, तू अपनी बच्ची को देख के खुश नहीं हुआ? अब तो थैंक्स कह दे कम से कम। थैंक्स नहीं कह सकता तो कम से कम सॉरी कह दे। सॉरी तो तुम्हें बोलना चाहिए उस घटिया रिंगटोन के लिए। अच्छी तो है, मेरी बीवी ने सेट की थी। वैसे रिंगटोन चेंज भी कर सकते हैं क्या? तुझे हंसी आ रही है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? चूजे कहीं के। हाइट क्या है तेरी? 5'11". अच्छा अच्छा, अच्छी आई थी। क्या कह रहे हो? अगला टनल 2 मिनट में आएगा, हमें निकलना होगा। क्या हम कर पाएंगे? हाँ हम कर लेंगे, क्योंकि अगर ये वाला मिस हो गया ना तो 3 किलोमीटर बाद अगला टनल आएगा। वैसे मुझे लगता नहीं तुम अपनी बेटी को इतना टाइम दे पाते होगे। जब वो बड़ी हो जाएगी ना वो जरूर समझेगी कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। बाप होने के नाते हमें ही सब कुछ करना पड़ता है, कोई हमें नहीं समझता और सारी कुर्बानियां हमें ही देनी पड़ती हैं, है ना? यो ना देखो मुझे, मुझे तुमसे मोहब्बत ना हो जाए। मेरा दोस्त यहाँ आ रहा है। क्या? क्या 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 कहा तुमने? वो बाकियों के साथ दूसरी बोगी में, वो सब यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारा दोस्त? हाँ हाँ मेरा दोस्त, वो इस वक्त बोगी नंबर 13 में है। वो अपने साथ दूसरों को भी लेकर आ रहा है। दूसरों को? इतने खतरनाक वायरस से बच बचा कर वो यहाँ आ रहे हैं, वो भी बिना इन्फेक्ट हुए? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो इन्फेक्ट नहीं हुए? आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो जरा इस तरफ देखो, हम सब के सब खुद को किसी तरह जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें अपने फ्रेंड की पड़ी हुई है, वो भी जो यकीनन इन्फेक्टेड होगा। तुम उसे अंदर आने दोगी? अरे अपनी नहीं तो कम से कम दूसरों की तो सोचो। आप सब कुछ बोलते क्यों नहीं? वो सब आते ही होंगे। सर सर प्लीज, सर प्लीज। Thank you.
जल्दी। ना देखो पीछे जाना। एक, दो। चली जाओ, नहीं जाओ। ए भाई, ए सुन, शैली को लेके यहां से जा, तुझे जाना होगा। अबे जाना फिर मैनेजर से, मैं थक चुका हूं, प्लीज जाओ यहां से अभी। मेरी शैली का ख्याल रखना, समझा ना? मैं इनको पकड़ के रखता हूँ, तू निकल जा। अरे जा, मुझे माफ माफ करना यार। चलो स्टेला, हमारी बच्ची का नाम स्टेला होगा, समझी?
क्यों किया तूने ऐसा? दरवाजा खोल देता तो उनकी जान बच सकती थी। क्यों क्यों? ये भी इन्फेक्टेड है। छोड़ मुझे, इसे भी इन्फेक्शन हुआ है। थोड़ी ही देर में उसका असर होगा। देखो, देखते जाओ बस, उसकी आंखों में देखो, ये हमें मार देगा। इसके साथ सबको बाहर निकालना होगा। खड़े क्या हो? जो लोग अभी अभी आए हैं वो लोग हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। वो सभी लोग आगे वाली बोगी में चले जाएं। चले जाओ यहाँ से। इन्हें यहाँ से निकालो। चले जाओ यहाँ से। निकालो। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। चले जाओ यहाँ से। हाँ चले जाओ। जल्दी बाहर निकलो। बाहर निकलो। चले जाओ यहाँ से। जल्दी कराओ। हमें तो यहाँ नहीं चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। निकलो। चले जाओ यहाँ से। अभी इन्फेक्ट नहीं हो रहा है। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे ये जा क्यों नहीं रहे? जाओ अभी बाहर निकलो। जल्दी जाओ। जाओ यहाँ से। चलो जेनी, तुम्हारा यहाँ रहना ही सेफ होगा। नहीं, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जेनी चलो बाहर निकलो। तुम रुके क्यों हो? जल्दी जाओ यहाँ से। ठीक है चलो। चले जाओ। चलो जाओ। चले जाओ। चलो निकलो यहाँ से। समझ में नहीं आता, निकलो यहाँ से। जाओ चलो चले। अच्छा यही होगा कि तुम लोग चले जाओ। बाहर निकलो। चले जाओ। बाहर जाओ। कपड़ा लाओ और बांधना है। अरे कुछ और कपड़े चाहिए। देखते क्या जाकर कपड़ा लेके आओ। ठीक से बांधो। हाँ ये भी लो, ये भी ले लो। हाँ बांध रहा हूँ। हाँ वहाँ भी देखो। हाँ ठीक से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कहा था ना अब भुगतो। खुद को अनदेखा करके दूसरों की मदद करने चली थी। देखा भलाई करके क्या हासिल किया। जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक कहा ना। सब अपना मुंह बंद करो। यहाँ आओ और हमारी मदद करो। और इन लोगों को देखो। दूसरी तरफ का भी दरवाजा बंद करो। दीदी तुम मुझे माफ कर देना। अरे उसे, अरे उस औरत को कोई रोको। Thank you.
ट्रेन 101 बुसान स्टेशन पहुंच रही है, वहां के हालात कैसे हैं प्लीज हमें बताइए। कंट्रोल रूम, कोई सुन रहा है? आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं प्रॉमिस करता हूं तुम अपनी मां से जरूर मिलोगे। पापा आपको डर नहीं लगता? लगता है बेटा, बहुत डर लगता है। मैं भी बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैंने गॉड से भी प्रॉमिस किया था कि आप वापस आए तो पूरा गाना सीखूंगी और फिर आपको सुनाऊंगी। अब मेरे स्कूल में भी नहीं आए थे, अब मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना? मेरी बीवी को फोन कर लेता हूं। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, प्लीज दोबारा कोशिश कीजिए। किम का फोन? हाँ किम बोलो। सर क्या आप बुसान पहुंच गए? नहीं अभी नहीं, तुम कहाँ पर हो, सब ठीक तो है ना? बुसान में आर्मी ने सब कुछ संभाल लिया है सर। अच्छा आर्मी आ गई, पर तुम्हें कैसे पता चला? सर दरअसल ये वायरस बायोटेक से फैला है, इसके सारे शहर हमने भेज दिए थे और इसीलिए उन्होंने वायरस फैला दिया। सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है ना सर? हाँ हम तो बस अपने ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, हमारी कोई गलती नहीं है, नहीं है ना सर? बताइए। नहीं इसमें हमारी हमारी कोई गलती नहीं है। थैंक यू। अच्छा किम सुनो, Oh, my God.
सभी यात्री प्लीज ध्यान से सुनिए, आगे पटरी खराब होने की वजह से इस ट्रेन को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। अब हम या तो दिगु स्टेशन पर रेस्क्यू टीम का वेट कर सकते हैं या फिर पुसान स्टेशन के लिए दूसरी ट्रेन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस अनाउंसमेंट को खत्म करने के बाद मैं बाहर निकल के एक दूसरी ट्रेन को इस स्टेशन के लेफ्ट मोस्ट ट्रैक पर लगा दूंगा। दूसरी ट्रेन, याद रहे, लेफ्ट साइड का लास्ट ट्रैक। आप ऐसे जो भी बात समझ पा रहे हैं वो जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करें, जितनी जल्दी हो सके। हमें बचाने को यहां आएगा? मुझे पता चला है बुसान जाना ही सेफ रहेगा, इसलिए हमें निकलना होगा। समझ में नहीं आ रहा उस तरफ जाएंगे कैसे। Thank you.
अब क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा, चलो आओ। आ जाओ अंदर। पीछे जाओ। Susan!